उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नौगावा सादात विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। हर कोई प्रत्याशी जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिख रहा है। प्रत्याशी वोट मांगने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। लोगों द्वारा प्रत्याशियों का स्वागत भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी की प्रत्याशी संगीता चौहान के समर्थन में बादशाहपुर के इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा हुई। इस दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा और पूर्व मंत्री स्वर्गीय चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली का खजाना हो या उत्तर प्रदेश का खजाना हो, दोनों की चाबी हमारे पास है। विकास कार्यों की कोई कमी नहीं होगी। कांग्रेस हो या सपा की सरकार रही हो, इन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया है। जब से हमारी सरकार आई है, तब से प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि हमारी विकासवाद की नीति ये इन्हें पसंद नहीं आती है, क्योंकि इनकी सोच तो महिला विरोधी, किसान विरोधी व विकास विरोधी है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में केवल 3 दिन बचे हैं, इसलिए आप प्रत्याशी बनकर इतना प्रचार कर दो कि ये विरोधी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बूते जनता के आशीर्वाद से विजय प्राप्त कर रही है, आगे भी करती रहेगी। अमरोहा से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। लेकिन मेरी आप सबसे अपील है कि संगीता चौहान जी को रिकॉर्ड वोटों से जो विरोधी सपने देख रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवादी की राजनीति, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की राजनीति करने वाले, उनको करारा जवाब आप 3 तारीख को कमल के फूल की बटन को दबा करके देने का काम करिए, या मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आने वाला समय ये सपा वाले भी जानते हैं, ये बसपा वाले भी जानते हैं, ये कांग्रेस वाले भी जानते हैं। इन्होंने लंबे समय तक देश और प्रदेश में शासन किया, देश और प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया। 60 साल में कांग्रेस केंद्र में कुछ नहीं कर सकी, वो मोदी जी के 6 साल पर सवाल खड़ा करती है। और मैं दावे से कहता हूं, इस सभा में जो आए हैं वह भी, और जो सभा में नहीं अभी आज आए हैं वह भी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से किसी ना किसी योजना बसपा, वो 15 साल का हिसाब नहीं देंगे। 3 साल के बारे में हमसे पूछते हैं, अरे हम 3 साल के बारे में अगर एक केवल उत्तर दे कि तुमने 15 साल में केवल गुंडागर्दी, माफियागिरी, अपराध और भ्रष्टाचार किया है, और हमारी सरकार आने के बाद गुंडागर्दी के खात्मे से लेकर के माफियागिरी का अंत करने से लेकर के भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने से लेकर के देश बनाने से लेकर के किसी भी क्षेत्र में हमने कोई कमी छोड़ना शेष नहीं रखा। लगातार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में इतना काम किया, दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा नहीं हुआ, धारा 370 से लेकर के श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण सहित अनेक ऐसी योजनाओं का शुभारंभ हो गया। तो अगर ये लगातार 5 साल, 10 साल, 15 साल बने रह गए तो इनकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। कोई नानी के घर चला जाएगा, तो कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। जरूर बता सकता हूं कि नौगांव विधानसभा क्षेत्र को विकास के उच्च कीर्तिमान तक पहुंचाने के लिए आदरणीय चेतन चौहान जी का सपना था, उसे साकार करने का जो भी अधूरा कार्य बाकी है उसे पूरा करने के लिए 3 तारीख को श्रीमती संगीता चौहान जी को विजयी बनाने के लिए कमल के फूल के सामने वाली बटन दबाने, कमल के फूल के सामने वाली बटन दबाने और 10 तारीख कोर्ट की गिनती। हमारे बहुत परम मित्र हैं लक्ष्मी जी, न साइकिल में बैठ करके आती हैं, न हाथी में बैठ के आती हैं, न पंजे में बैठ के आती हैं। लक्ष्मी जी कमल के फूल पर बैठ करके आती हैं। और यह जो भी सपने देख रहे हो, ये अलग अलग लड़े और चाहे मिल करके लड़े, या दलितों का विरोध करें, पिछड़ों का विरोध करें, या समाज को लड़ाने की कोशिश करें, इन विरोधियों की कोई भी साजिश सफल होने वाली नहीं है। और आने वाले 30 साल तक जो भी विरोधी सुन ले, मुझे तो लगता नहीं है दूर दूर तक कि उत्तर प्रदेश में कमल को खिलने से रोकने की इनकी कोई भी साजिश, काम नहीं करना चाहते जमीन पर।
जमीन पर इनके पास कुछ है क्या बताओ? आपस में लड़ाने भड़काने कुछ है क्या इनके पास इसके अलावा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक एक कार्यकर्ता भूत पर एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में मोर्चा संभाल करके खड़ा है और समाज का पूरा समर्थन मिल रहा है। इसलिए मैं आप सबको यह आह्वान कर रहा हूं कि 3 तारीख को जाइए, सब कुछ भूल, याद रखिए नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। इतना ही निवेदन करके 10 तारीख को विधायक बना करके भेजने की जिम्मेदारी देकर चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से बहुत आगे है, आप सब लोग जानते हैं। हमें के आधार पर विजय ना 2014 में मिली थी, ना 2017 में मिली थी, ना 2019 में मिली है, ना 2020 में मिलेगी, ना 2022 में मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बूते और जनता के आशीर्वाद से विजय प्राप्त कर रही थी, आगे भी विजय प्राप्त कर। तो जिस तरीके से पार्टी उपचुनाव में जिस तरीके से मायावती जी ने भाजपा की बात कही है समर्थन देने की, तो क्या आगे भी 2022 तक युवा भतीजे की लड़ाई है भाजपा के बीच में ला रहे? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.